दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास और आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में 311 नंबर का लेक्चर है। 231 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, 311 तक आ चुके हैं। मात्र 20 लेक्चर कम है दोस्तों, 20 लेक्चर के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने 100वें लेक्चर पर। पूरी की पूरी 100 क्लास आपकी हो जाएगी। चलिए फिलहाल आज चर्चा करने वाले दोस्तों किस टॉपिक पर, तो उसका नाम है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे देशों में स्थापित उद्योगों के बारे में पढ़ा, चाहे अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, फ्रांस की बात हो, जर्मनी की बात हो, जापान की बात हो, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज अपनी क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे कनाडा के बारे में, चीन के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। इन देशों में दोस्तों कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, उन सभी सवालों पर दोस्तों चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। आप साथ भर दीजिए, मजा खूब आने वाला, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। आप कल्पना करो ये मेरा कंप्यूटर का जो बैच है दोस्तों 199 रुपये, क्या होता है 199 रुपये, पूरा का पूरा बैच दे रहा हूं दोस्तों। एक बार आपने कंप्यूटर पढ़ा ना, आगे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया। इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए भी दोस्तों हम लोग कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, स्पेशली मैं, ठीक है, मेरी टीम बहुत सारे कोर्सेज पे काम कर चुकी, बट मैं चाहता हूं कि नहीं, बच्चों का डिमांड था कि नहीं नितिन सर आप पढ़ाइए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों मैं कोर्सेज बना रहा हूं, जिसमें हिंदी का कोर्स दोस्तों अभी तक लॉन्च हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो चुका है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, और यूपी स्पेशल का कोर्स दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कीजिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि किस शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। क्या सवाल दिया, कनाडा का बर्मिंघम। सबसे पहला बात तो है दोस्तों कि बर्मिंघम पड़ता कहाँ है। सर बर्मिंघम के बारे में बता दीजिए तो काम हो जाए, ठीक है। बर्मिंघम जो जगह दोस्तों ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता दोस्तों बर्मिंघम, कहाँ स्थित है, याद रखेंगे इंग्लैंड में स्थित है। और आपसे कह रहा है कि कनाडा का बर्मिंघम किसे कहा जाता है। फिलहाल बर्मिंघम, यदि आपसे मैं पूछूं कि बर्मिंघम किस चीज के लिए दोस्तों पॉपुलर है, ये जो बर्मिंघम है ये किस लिए फेमस है, तो याद रखिए दोस्तों लौह अयस्क के लिए। किसके लिए दोस्तों, यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। और इतना ही नहीं, ये जो बर्मिंघम है ये दोस्तों इंग्लैंड के अंतर्गत आता है और इसे हजार हजार उद्योगों की भूमि कहा जाता है। हजारों हजारों उद्योगों की भूमि, ठीक है, उद्योगों की भूमि कहा जाता है। यहाँ एक दो नहीं, जैसे मैं लौह इस्पात उद्योग बता रहा हूँ ना, ऐसे एक दो नहीं दोस्तों, हजारों व्यापार का शहर, हजारों उद्योगों की भूमि, हजारों उद्योगों का शहर, इस तरह से दोस्तों इसका नाम आता है, ठीक है, बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में बहुत कुछ है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछ रहा दोस्तों कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं, इसका मतलब हम कनाडा की किसी सिटी की बात कर रहे हैं। है से याद रखेगा हैमिल्टन। क्या नाम है दोस्तों, बर्मिंघम, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं, हैमिल्टन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, हैमिल्टन को कहते हैं। मेरी पूरी बात आप समझ गए ना, ये सारी बात पता होना चाहिए, ठीक है। हमने कनाडा का बर्मिंघम बोल तो दिया, बट बर्मिंघम किस संदर्भ में कहा यह भी दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कनाडा के कौन से शहर कागज उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। कौन से शहर, इसका मतलब कौन सा लिखता तो एक शहर बताता, कौन से लिखा तो दो शहर, कम से कम एक से ज्यादा बताना पड़ेगा। तो याद रखें दोस्तों, एक तो दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। दूसरा दोस्तों मॉन्ट्रियल, कौन सा है दोस्तों, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा ना। कनाडा की राजधानी कहां पर है, याद रखेंगे कनाडा की राजधानी ओटावा जो है दोस्तों, राजधानी कहां पर है, ओटावा, ठीक है, ओटावा। ये ओटावा किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो यहां पर कागज उद्योग बड़ा पॉपुलर है। कौन सा उद्योग, कागज उद्योग दोस्तों बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों आप मॉन्ट्रियल याद रखेगा, ठीक है, ये भी अच्छा। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में, कुछ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया, क्या बताया, कुछ तो बताने जा रहा था, बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कागज का जिला दोस्तों किसे कहते हैं, सवाल याद रखिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश में कागज का जिला, ठीक है, कागज जिला, जहां पर कागज का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है इसलिए उसे कागज जिला कहते हैं। ये कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा जालौन जिला। कौन सा दोस्तों, जालौन जो है ये, यहां पर दोस्तों बहुतायत मात्रा में
कागज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ऐसे देखेंगे अगर पूरे भारत में तो नेपा नगर का नाम आप याद रखेगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है वो भी दोस्तों, कागज की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं नेपा नगर में, आप उसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा कनाडा में वायुयान उद्योग के लिए कौन सा शहर दोस्तों फेमस है, जहां पर दोस्तों क्या बनता है, जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं। वायुयान का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, एयरक्राफ्ट की बात करें दोस्तों। ये इसके लिए दोस्तों कनाडा का कौन सा शहर दोस्तों पॉपुलर है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा क्यूबेक शहर। इसका नाम क्या है, कनाडा में एक स्थान है क्यूबेक, ठीक है। ये जो क्यूबेक है दोस्तों ये समुद्र तटीय बस्ती है, समुद्र के तट के पास है, और आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों पूरे के पूरे पूरे मत कहिए, अमेरिका में सबसे पुरानी जो यूरोपीय बस्ती है वो एक क्यूबेक है, ठीक है। तो याद रखेंगे अमेरिका की, अमेरिका में स्थित उत्तरी अमेरिका लिखिए, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बोल देंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका बोलेंगे तो कनाडा हो जाएगा। अमेरिका में स्थित सबसे पुरानी यूरोपीय बस्ती, यूरोपीय बस्ती दोस्तों ये कौन सी है, याद रखेंगे ये क्यूबेक है। यहाँ पर आज भी दोस्तों बहुतायत मात्रा में ऐसे लोग हैं जो फ्रांसीसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी लोग दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सब आपस में एक दूसरे से टच वाले सवाल हैं, और जो मेरे दिमाग में आता है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करते चलता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सा वर्ड यहाँ पर दिया दोस्तों, मदिरा, ठीक है, शराब, इसके अलावा हो गया मछली, शराब के साथ मछली खाना पड़ेगा लोगों को, और कागज उद्योग के लिए, ठीक है। अब कागज जैसे ही नाम आएगा ना, आपको एकदम अपना जो है ध्यान एकदम क्लियर रखना पड़ेगा कि कागज उद्योग के लिए अभी हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, तो कागज उद्योग के लिए हमने दो जगह पढ़ा, पहला पढ़ा दोस्तों कनाडा की राजधानी जो ओटावा है उसे पढ़ा, दूसरा दोस्तों पढ़ा मॉन्ट्रियल के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल। ये दो ऐसे स्थान है जो कागज उद्योग के लिए फेमस हैं भी कनाडा में। अभी आपसे अलग से पूछ रहा है कि कनाडा का दक्षिण पश्चिम हिस्से में दोस्तों कौन सा स्थान है जो इन तीनों के लिए पॉपुलर है, तो याद रखेगा यहाँ पर एक स्थान है बैकुअर, कौन सा स्थान दोस्तों, बैकुअर, याद रखेंगे बैकुअर, ठीक है। बैकुअर दोस्तों मदिरा के लिए भी फेमस है, मत्स्य मछली पालन के लिए भी फेमस है, और कागज उद्योग भी दोस्तों बैकुअर में है, यह भी याद रखेंगे। इसी बैकुअर को दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया कहा जाता है, कई बार एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया शब्द पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, यह भी शानदार सा सवाल हो जाएगा। बैकवर कहाँ पड़ता है, ये कनाडा में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए, करा लौ इस्पात इंजीनियरिंग, सुनिएगा ध्यान से, लौ इस्पात, अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं, क्या पढ़ा था दोस्तों, कनाडा का बर्मिंघम, क्या पढ़ा था दोस्तों, कनाडा का बर्मिंघम। बर्मिंघम मैंने बताया था दोस्तों कि बर्मिंघम जो है ये लौ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और जो आपने पीछे पढ़ा दोस्तों वो आप बताइए क्या था, ठीक है, कनाडा का बर्मिंघम दिमाग में डालिए, ऐसे भूलेंगे जगह तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया सोचिए, थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए। देखिए हमने आपको कनाडा में क्या क्या सिखाया, एक तो क्यूबेक सिखाया, तो क्यूबेक दोस्तों वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है, एक आपको मॉन्ट्रियल और ओटावा सिखाया, तो मॉन्ट्रियल और ओटावा जो दोस्तों ये कागज उद्योग के लिए दोस्तों पॉपुलर है, ठीक है, और एक दोस्तों कनाडा का बर्मिंघम सिखाया। बर्मिंघम में दोस्तों आपने क्या पढ़ा, हैमिल्टन के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, हैमिल्टन के बारे में पढ़ा, ठीक है, भूलिए मत भाई, ऐसे भूलेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। और एक बैकुअर पढ़ा, तो बैकुअर मदिरा के लिए, मत्स्य के लिए, और किसके लिए दोस्तों, तीसरा है दोस्तों कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए भी दोस्तों पॉपुलर है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, करा कि लौ इस्पात और इंजीनियरिंग और सूती वस्त्र बोल दिया, तो मैनचेस्टर याद रखेगा, मैनचेस्टर कहाँ, इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, यहाँ अलग हो जाएगा। करा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा स्थान तो दक्षिण पूर्वी दोस्तों कनाडा में स्थित है, यह बताना। देखिए जैसे यहां दक्षिण पश्चिम बोला था, उसी तरह यहां दक्षिण पूर्वी मतलब कनाडा में नीचे की तरफ आइए, पूरब की तरफ जाइए, पूरब मतलब हडसन की खाड़ी की तरफ भागिए, या आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ भागिए, और पश्चिम बोल दिया तो सीधे सीधे प्रशांत महासागर की तरफ चलिए, यह हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी पूरब हिस्से में दोस्तों इसकी राजधानी ओटावा है, यह आप याद रखेंगे। और ओटावा पहले भी दोस्तों हमने पढ़ा है, कागज उद्योग के लिए दोस्तों पॉपुलर है ओटावा, और यहां पर बहुत सारे उद्योग हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मॉन्ट्रियल भी है, मॉन्ट्रियल में भी दोस्तों ये सारे उद्योग फेमस हैं। मॉन्ट्रियल का नाम भी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, कागज उद्योग के लिए पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों ये तो दो नाम हुए, तीसरा नाम आपने याद रखेगा टोरंटो, क्या याद रखेंगे, टोरंटो जो है दोस्तों ये ओंटोरियो की राजधानी है, क्या है दोस्तों,
ओंटोरियो, ओंटोरियो की राजधानी, ओंटोरियो दोस्तों एक प्रांत है जो कनाडा में स्थित है, उसकी राजधानी कहां पर है, वो टोरंटो राजधानी है। ओंटोरियो दोस्तों एक झील का भी नाम आपने पढ़ा था, जो फाइव फिंगर्स वाली झील आपने पढ़ा था, फाइव फिंगर लेक, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा था, सबसे पश्चिम में जाएंगे तो सुपीरियर पड़ेगा, सुपीरियर सबसे पश्चिम में झील है सुपीरियर, फिर उसके बाद मिशिगन, ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों ह्यूरॉन, उसके बाद ओंटोरियो, ये चौथे नंबर पे दोस्तों ओंटोरियो पढ़ा था, और अंतिम में ईरी पढ़ा था, ठीक है, नहीं, पहले ईरी, लास्ट में ओंटोरियो। ओंटोरियो सबसे सुपरमैन हीरो मैंने बताया था, एच माने ह्यूरान हो जाएगा, ई माने ईरी हो जाएगा, लास्ट में रो है दोस्तों, इस वजह से ओंटोरियो सबसे आखिरी में। ओंटोरियो वही प्रांत है दोस्तों, आप याद रखेंगे, यहां पर जो झील है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा इंग्लैंड का कौन सा शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों विश्वविख्यात है। इंग्लैंड के शहर की बात कर रहा है, यहां कनाडा की बात नहीं हो रहा है। इंग्लैंड में दोस्तों अगर ऐसे सवाल करे तो याद रखेगा लंका शायर बताएगा, क्या बताएंगे, लंका शायर, लंका शायर क्षेत्र बताएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपसे लंका शायर क्षेत्र के अंतर्गत पूछे तब दोस्तों आप क्या बताएंगे, मानचेस्टर का नाम लीजिएगा। वैसे भी दोस्तों मानचेस्टर ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, इसीलिए हम भारत में पढ़ते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। तो लंका शायर के अंतर्गत दोस्तों दो क्षेत्र आप याद रखेगा, एक मानचेस्टर याद रखेगा, एक लिवरपूल याद रखेगा, क्या याद रखेंगे, एक लिवरपूल याद रखेंगे, ठीक है, लिवरपूल, ठीक है। ये दोनों ही स्थान, मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये दोनों ही स्थान दोस्तों इंग्लैंड में स्थित हैं और सूती वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों फेमस हैं, ये अपने दिमाग में सवाल बिठा लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पीछे पीछे हमने पढ़ा सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए दोस्तों फेमस इंग्लैंड में कौन कौन से थे दोस्तों, तो एक तो पढ़ा मैनचेस्टर थे, एक तो पढ़ा मैनचेस्टर, और दूसरा पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा दोस्तों, लिवरपूल, क्या पढ़ा, लिवरपूल पढ़ा, याद रखेंगे। इन दोनों को संयुक्त रूप से लंका शायर के अंतर्गत रखा जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है, लंका शायर, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, शानदार सवाल है। आइए फिलहाल हम बात करते हैं यहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भी दोस्तों दो जगह यहां पर पॉपुलर है, एक तो दोस्तों स्थान है ब्रेडफोर्ड, क्या नाम है दोस्तों, ब्रेडफोर्ड, थोड़ा सा अटपटा नाम है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक इस शायर से याद रखेगा, डर्बी शायर, ठीक है, डर्बी शायर, लंका शायर अलग है, डर्बी शायर अलग है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र दोस्तों कहाँ कहाँ मिलता है, उसके लिए दोस्तों कौन से प्रमुख केंद्र हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर दोस्तों मुख्य रूप से किसका केंद्र है, तो अभी पीछे बताया था दोस्तों आपको लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए। पीछे हमने क्या बताया दोस्तों, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं दोस्तों, पीछे हमने क्या पढ़ा, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं दोस्तों, हैमिल्टन को कहते हैं, किसे कहते हैं, हैमिल्टन को कहते हैं। देखिए जितना बार आप रिपीट करेंगे, जितना बार आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा दोस्तों याद होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इंग्लैंड का बर्मिंघम किसे कहा था, जो शहर है दोस्तों किसके लिए फेमस है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, आप याद रखेंगे। और हमने आपको ये भी तो बताया ये बर्मिंघम के बारे में, और क्या बताया दोस्तों, बर्मिंघम के बारे में एक लाइन आपके लिए बोला था मैंने, किसे हजार हजार उद्योगों की भूमि, हजारों उद्योग की भूमि कहा जाता है, हजारों उद्योगों उद्योगों का शहर बोल दीजिए, भूमि बोल दीजिए, ठीक है, ये दोस्तों इसे कहा जाता है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, पूछता है बार बार परीक्षा में, बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने कभी अपनी क्लास में बताया नहीं, समझाया नहीं। देखिए टॉपिक वाइज पढ़ने का यही मजा है, आप सोच रहे हैं कि 80 लेक्चर में, अब तक दोस्तों 81 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, 81वां लेक्चर है ज्योग्राफी का, आप सोचिए कि 81 लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करें, आपने जहां खूब ढेर सारे पैसे भी खर्च किया होगा ना, वहां भी इस तरह का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप केवल एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज देख लीजिए, एग्जाम के सारे सवाल दोस्तों यहां से फंस जाएंगे। हमने पूरा हिस्ट्री समाप्त कर दिया, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न सब पढ़ा दिया, पूरी की पूरी दोस्तों पॉलिटी समाप्त कर दिया, अब ज्योग्राफी पे हाथ लगाया हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होने वाली, फिर इंडियन ज्योग्राफी हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, हर एक मुद्दे पर दोस्तों चर्चा करते हैं, एक एक टॉपिक, पूरे हिस्ट्री में ऐसे कोई टॉपिक नहीं बची जिस पर हमने आपको क्लास न दिया। आप नहीं भरोसा करते तो यूट्यूब पे आइए, उस टॉपिक का नाम लिखे, आगे स्टडी 91 नितिन सर लिखेगा, वीडियो आपको जरूर मिलेगा, कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा वीडियो, ठीक है।
आइए पूछ रहा दोस्तों, लंका शायर कहां पर स्थित है? लंका शायर, अरे भाई ये छोटे छोटे सवाल करना रह गया। लंका शायर दोस्तों कहां पर है? याद रखेगा यह लंका शायर जो है ये इंग्लैंड में स्थित है। पहला सवाल, लंका शायर के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको दो स्थान पढ़ाया था। क्या स्थान पढ़ाया था? दो स्थान पढ़ाया था। कौन कौन सा स्थान आता है? अच्छा लंका शायर पहले बताए किस चीज के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो लंका पहले दो स्थान बता दीजिए। ये फिलहाल सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, नोट कर लीजिए। किसके लिए दोस्तों? यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब बताइए यहां पर दो स्थान मैंने कौन कौन बताया? एक आपको सिखाया था मैनचेस्टर के बारे में, मैनचेस्टर के बारे में। दूसरा आपको बताया था लिवरपूल के बारे में। किसके बारे में? लिवरपूल के बारे में। जब कभी लंका शहर आए ना तो आपके दिमाग में दोनों बातें आके बैठ जानी चाहिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। अगले सवाल पर आइए। करा इंग्लैंड में जहाज रानी, जहाज रानी मतलब क्या दोस्तों? पानी वाले जहाज की बात करा, शिप की बात करा यहाँ पे, ठीक है, शिप की बात करा दोस्तों। करा इंग्लैंड में जहाज रानी, लौह इस्पात और रसायन का प्रमुख केंद्र क्या है? ठीक है, लौह इस्पात के लिए वैसे तो बर्मिंघम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बर्मिंघम को जाना जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां अलग से पूछ रहा है कि जहां पर ये तीनों तरह के उद्योग दोस्तों पॉपुलर हैं उस स्थान को बताइए। वो स्थान है दोस्तों कार्डिफ। ये भी आपने नाम नहीं सुना होगा, कार्डिफ नाम नहीं सुना ना? चलिए मैं बताता हूं। आपने वेल्स प्रांत का नाम सुना है? वेल्स का नाम सुना है कि नहीं? वेल्स दोस्तों एक प्रांत है। वेल्स प्रांत की राजधानी कहां पर दोस्तों? कार्डिफ है, कार्डिफ है, ठीक है। वेल्स प्रांत की राजधानी कहां पर है? कार्डिफ, आप इसे याद रखेंगे। और दक्षिणी, ये जो है इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, इसे दक्षिणी वेल्स भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये तीनों केंद्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ लौह इस्पात कारखाने भी खूब ढेर सारे हैं, यहाँ पर जहाज रानी उद्योग भी दोस्तों विकसित है और रसायन उद्योग भी दोस्तों विकसित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। सवाल दे रहा है कि इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में दोस्तों जहाज रानी ऊनी और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब देखिए अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों लंका शहर को जाना जाता है, ठीक है। किसे जाना जाता है? लंका शहर को जाना जाता है। और लौह इस्पात के लिए दोस्तों किसे जाना जाता है? बर्मिंघम को जाना जाता है। किसे? बर्मिंघम को जाना। अभी दोस्तों मोटी मोटा आपसे पूछ रहा है कि स्कॉटलैंड में क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी दोस्तों ग्लासगो है। क्या दोस्तों? ग्लासगो राजधानी है। ये दोस्तों इन तीनों के लिए पॉपुलर है। अब बाकी दोस्तों स्पेशली आपने जहाज रानी के लिए कौन सा स्थान देख लिया? जहाज रानी के लिए दोस्तों कौन सा स्थान देख लिया? तो याद रखेंगे इसके लिए देखा ये वेल्स की राजधानी कार्डिफ। क्या देखा दोस्तों? वेल्स की राजधानी कार्डिफ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कहिए कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम आराम से दोस्तों पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितना अच्छे सीख सकते हैं सीखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि इंग्लैंड के लंका शायर क्षेत्र, जैसे ही लंका शायर आए ना दिमाग में छवि बन जानी चाहिए सूती वस्त्र उद्योग। कैसे? अच्छा याद कैसे करेंगे? मैं पता कैसे याद? मैं बताऊंगा तो शर्मा जाऊंगा, खुद ही शर्मा जाऊंगा। मैंने याद किया हनुमान जी गए लंका, अलंका में हुआ क्या? लंका जला दिए। कैसे? उनके पूंछ में सूती कपड़ा लपेट दिया गया। अब हमको जीवन भर के लिए याद हो गया। सर यही ट्रिक आप हमको बता दिए होते तो हमको भी याद हो जाता कि लंका शहर किसके लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सर वो जो बर्मिंघम बताए वो कैसे याद किया? वो भी ट्रिक बताऊंगा तो आप हंसेंगे। आपको लगता होगा नितिन सर को इतना कैसे याद है ना? मैं हर चीज के पीछे छोटी छोटी बातें रखता हूँ। बर्मिंघम आपको ऐसा मतलब खाली बोलिए अपने मुंह से बर्मिंघम 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 बर्मिंघम, आपको लगेगा कोई ऐसी सिटी है जो बड़ा भौकाली है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं मीनारे हैं, ऐसा नाम पढ़ने से लग रहा है। याद रखो सारी बनी किससे? बड़ी बड़ी इमारतें मीनारे बिना लोहे की टिकेंगे नहीं, लौह इस्पात उद्योग के लिए। मैंने ऐसे याद किया, ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक बनाया उससे याद हो गया। मूल चीजें याद हो जाएगा तो आगे हम क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं। अभी पूछ रहा है इंग्लैंड के लंका शायर क्षेत्र में सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों प्रमुख केंद्र कौन से? वो भी लंका शहर के अंतर्गत दे रहा है। 20 बार पढ़े लंका शहर। लंका शहर के अंतर्गत दोस्तों दो ही क्षेत्र आते हैं, एक तो दोस्तों मैनचेस्टर आता है। क्या आता है दोस्तों? मैनचेस्टर आता है। दूसरा दोस्तों लिवरपूल आता है, ठीक है। और मैनचेस्टर और लिवरपूल में दोस्तों अगर सूती वस्त्र उद्योग है तो अब ऊनी वस्त्र उद्योग अलग जगह पे थोड़ा स्थापित होगा, वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा इंग्लैंड के लंदन बेसिन क्षेत्र में, लंदन बेसिन जो क्षेत्र है इसमें विविध प्रकार के मांग आधारित वस्तुओं के लिए प्रमुख केंद्र ये बना हुआ है, ये कहां पर दोस्तों? तो लंदन बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत लंदन ही आता है जहां ढेर सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। देखिए जो किसी भी देश की जो राजधानी होती है ना वो राजधानी हमेशा बहुत डेवलप होती है, वहां बहुत सारे उद्योग होते हैं। आप दिल्ली को ले लो अपने देश में, ऐसा क्या है जो दिल्ली में नहीं बनता?
चाइना में रात में कुछ ही आविष्कार हुआ और सुबह दिल्ली पहुंच जाएगा वो आविष्कार, दिल्ली वाले तुरंत उसको कॉपी मार के तैयार कर देंगे। इतनी इतनी भयानक टेक्नोलॉजी भाई दिल्ली में, ठीक है आप समझ, मजा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है हकीकत ये कॉन्फिडेंस है ये भाई कि वहां बना और यहाँ प्रस्तुत है आपके सामने, ठीक है ये ऐसी ऐसी जो है योग्यता अगर किसी में तो दिल्ली में है, ठीक है। और लगभग पूरे दुनिया में जितनी भी राजधानी आप देखिए, कनाडा की राजधानी ओटावा था, वहाँ बहुत सारे उद्योग थे। आप दोस्ती लंदन की बात कीजिए, यहाँ बहुत सारे उद्योग फेमस हैं, ठीक है तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो उत्तर यानी ऊपर की तरफ जाना है, पूरब यानी हमको वापस रसिया की तरफ भागना है, ठीक है ये दिशा मेरे दिमाग में चल रहा है, आप भी वर्ल्ड मैप याद करो तो आपको भी समझ आएगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग और जहाज रहने के लिए दोस्तों प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी में जाएंगे तो एक बड़ा बढ़िया शहर है दोस्तों, लीड्स, उसका नाम क्या दोस्तों, उस शहर का नाम है लीड्स, ठीक है यह दोस्तों एक शहर है, यह इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जो लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और जहाज रहने के लिए दोस्तों जाना जाता है। और यह किसके अंतर्गत आता है तो याद रखेगा, यह आता है यॉर्कशायर के अंतर्गत, ठीक है आपने लंकाशायर पढ़ा ना, लंकाशायर के अंतर्गत तो आपने मैनचेस्टर पढ़ा और लिवरपूल पढ़ा जो सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ये यॉर्कशायर है, ये अलग है, ठीक है यॉर्कशायर के अंतर्गत कौन आता है, लीड्स शहर आता है। यहाँ पे कई उद्योग दोस्तों पॉपुलर हैं, जैसे इंजीनियरिंग का नाम आता है, जैसे लौह इस्पात का नाम आता है, जैसे जहाज रानी का नाम आता है। करा चीन की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उद्योगों में दोस्तों लगा हुआ, कितनी प्रतिशत जनसंख्या दोस्तों है जो चीन में उद्योगों इंडस्ट्री में दोस्तों काम कर रही है? तो याद रखेंगे चीन की 35% जनसंख्या कहां लगी, उद्योग में लगी है। वहीं दोस्तों हम भारत की बात करें कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उद्योग में लगी दोस्तों, तो केवल 10%, कितना दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों 10% जनसंख्या उद्योग में लगी है, बाकी खेती किसानी कर रहे हैं, ठीक है 55-60% लोग तो खेती किसानी में लगे हैं। यही रीजन है कि दोस्तों हम बहुत पीछे हैं, हम हमेशा सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं। अगर हमारे यहाँ जम के उद्योग लगे होते हैं ना, अरे दिन रात हम भी बैठ के प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देखिए ना चाइना वाले कितना आइटम बना देते हैं, कितने आइटम बना देते हैं आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उद्योग बहुत ज्यादा है और वहां की 35% जनसंख्या दोस्तों वो उन्हीं उद्योगों में कार्यरत है। तो दिमाग तो लाएगी ना कहीं से ढूंढ के, ठीक है हमारे पास भी दोस्तों अगर पढ़ाई लिखाई काम नहीं होता, ये ज्योग्राफी का 81 नंबर का लेक्चर नहीं देखना होता, तो आज हम भी कुछ आविष्कार कर दिए होते हैं। आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं, मुझे तो आविष्कार करना नहीं आता, मुझे पढ़ाना आता है, मैं सिखा देता आपको कि क्या क्या बना सकते हैं आप, ठीक है सोच सकते हैं, वो दे देता, बाकी बनाने का काम तो आपका ही रहता, ठीक है याद रखेंगे दोस्तों। ये जो फ्री क्लास मैं आप सभी को दे रहा हूं ना, ये सुबह 9:06 पे दोस्तों क्लास चलती है। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये किस परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब हंसते मुस्कुराते दूंगा, ठीक है आप जैसे कहेंगे वैसे दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप किस क्लास के लिए ABCD पढ़े थे? आप किस क्लास के लिए क ख ग घ अंग स्वर व्यंजन पढ़े थे? आप किस क्लास के लिए 1, 2, 3, 4 पढ़े थे? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं भी इस सवाल का जवाब दे दूंगा। अरे मेरे भाई, आप चाहे स्वर व्यंजन हो, चाहे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हो, चाहे आप किसी गिनती की बात कर लीजिए, किसी नंबर की बात कर लीजिए, डिजिट के, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस था। हर एक क्लास में दोस्तों इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए आप आगे बढ़े हैं। ये परीक्षा विशेष के लिए नहीं है, क्या ये पढ़कर आप हर कक्षा पास किए? नहीं, ये तो दोस्तों बेसिक ज्ञान था। उसी तरह से जो मेरी क्लास है ये फाउंडेशन क्लास है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। नहीं पता है तो आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, ये मान के चलिए, क्यों एग्जाम नहीं निकलने वाला है, तुक्का लगा लोगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ये पढ़ो आप, ठीक है मैं ऐसे ही नहीं दोस्तों इतना डिटेल में क्लास दे रहा हूँ, कौन देता है इतनी डिटेल में, किसको फर्क पड़ता बताओ? फ्री में पढ़ाने का चस्का किसको है? किसी को नहीं भाई, क्या फर्क है कि लोगों को क्या जरूरत है, मैं दे रहा हूँ ये जानते हुए। आप वीडियो व्यूज जाके देखो ना, इतनी अच्छी क्लास के वीडियो व्यूज 5,000-10,000 भी नहीं आएगा, 5-10,000 लोग नहीं देखेंगे भाई इसे। इतना मन से क्लास पढ़ाना, इतना अच्छा कंटेंट, पता नहीं लोगों को क्या चाहिए। खैर मैं लोगों की तरफ देखता भी नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, इसलिए शांति से मैं अपना काम करते चल रहा हूँ। आइए क्लास अटेंड करेंगे तो मज़ा खूब आएगा। इसी तरह से दोस्तों हिंदी की जो क्लास चलती है वो रात को 8 बजे चलती है, क्या ना बच्चे हमें हिंदी के लिए ही जानते हैं,
ठीक है, कि सर को केवल हिंदी पढ़ाने आता, उनको नहीं पता कि सर जो है एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न और इधर पॉलिटी, इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आगे भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार डिटेल में भी दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ, कॉपी कलम तब मेरे पास था, ये बोर्ड नहीं था, तब का मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, करा चीन का लौह इस्पात उद्योग। जैसे लौह इस्पात का नाम है ना, हमेशा एक नाम अपने दिमाग में रखा करिए, बर्मिंगम, क्या याद रखेंगे, बर्मिंगम, कम से कम इसी बहाने कुछ तो याद होगा, ठीक है। बर्मिंगम कहाँ है दोस्तों, इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। करा चीन का लौह इस्पात उद्योग जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर एक क्षेत्र है अनसन, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कई सारे मैं सब लिखता हूँ यहाँ पर दोस्तों, एक क्षेत्र है अनसन, लेकिन ये क्षेत्र पूछ रहा है ना, ये तो अनसन दोस्तों शहर हो जाएगा, क्षेत्र पूछेगा तो क्षेत्र में बताएगा मंचूरिया, मंचूरियन मत बोल दीजिएगा, मंचूरिया। अच्छा पीछे पिछले वाली क्लास में मैंने मंचूरियन भी समझाया था ना, मंचूरिया याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखेगा दोस्तों, उत्तरी चीन जो मंगोलिया वाला हिस्सा है, मंगोलिया के पास वाला जो हिस्सा है उत्तरी चीन, वो भी बड़ा फेमस है। और जो नीचे की तरफ दोस्तों यांगतीसी क्यांग घाटी, ये नदी है दोस्तों जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगतीसी क्यांग घाटी, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र पूछा है, शहर नहीं पूछा, शहर पूछता तो एक जवाब देता प्योर और सही सटीक अनसन, याद रखेगा अनसन, ठीक है, एसन मत बोल दीजिएगा, एसन जो था वो फ्रांस में था, ये अनसन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जहां सूती वस्त्र उद्योग आएगा हम क्या याद रखेंगे दोस्तों, हम लंका शहर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, लंका शहर याद रखेंगे। फिर हम दो चीजों को याद रखेंगे, एक तो मैनचेस्टर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक मैनचेस्टर याद रखेंगे, और दूसरा क्या याद रखेंगे, लिवरपूल याद रखेंगे, ठीक है, लिवरपूल याद रखेंगे, ठीक है। और ये दोनों कहाँ है दोस्तों, यह इंग्लैंड में स्थित है, हम ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ये कहाँ स्थित, इंग्लैंड में। चलिए खैर हम चाइना की बात करते हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए चीन में दोस्तों कौन सा स्थान फेमस है, याद रखेंगे संघाई, क्या दोस्तों, संघाई राजधानी नहीं है, लेकिन यह चीन का बड़ा प्रसिद्ध दोस्तों शहर है। चीन की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी कहाँ पर है बताइए, चीन की राजधानी बीजिंग है भाई, बीजिंग, राजधानी बीजिंग है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा चीन में ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का नाम आएगा दोस्तों तो अमेरिका का डेट्रायट आप याद रखेगा, ठीक है, यूएसए में एक स्थान है डेट्रायट, ठीक है, डेट्रायट वो दोस्तों ऑटोमोबाइल का जन्म स्थान माना जाता है, कि यहीं से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का दोस्तों जन्म हुआ है, इतना भयानक स्थान है। करा चीन में ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों पॉपुलर कौन सा है, तो इसका नाम है चांगचुन, क्या नाम है, अब ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना आप परेशान हो जाएंगे, कौन सा नाम आया, चांगचुन नाम आया दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत शानदार सा सवाल है लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या नाम है, चांगचुन, चांगचुन, ठीक है, ये कहां पर है, चाइना में है, याद रखेंगे। करा चीन में जलयान उद्योग के लिए दोस्तों पॉपुलर स्थान कौन सा है, किसके लिए दोस्तों, चीन में जलयान उद्योग के लिए दोस्तों पॉपुलर कौन सा है, अभी हमने कनाडा में दोस्तों क्यूबेक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कनाडा में हमने क्यूबेक पढ़ा था, पीछे क्यूबेक, ठीक है, क्यूबेक कहां था दोस्तों, कनाडा में था, या देख एक चीज मैं बता दूं आपको, एक ट्रिक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हाँ ये देखिए कनाडा में वायुयान उद्योग था, यही मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, जलयान उद्योग के लिए दोस्तों कौन सा था, कुछ तो सवाल बड़ा अच्छा सा था, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या कहीं पे, अभी दिमाग में आ जाएगा मेरे बोलते बोलते आ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबेक मत लिखिएगा दोस्तों, क्यूबेक जो है ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, लगा मेरे को कुछ तो गलत जा रहा है, ठीक है, क्यूबेक दो दोस्तों ये वायुयान के लिए, ठीक है, वायुयान और जलयान में दोस्तों अंतर होता है, वायुयान उद्योग और जलयान उद्योग में दोस्तों बहुत अंतर है, ध्यान में रखेंगे, अभी मैं बताता हूँ कहाँ से सवाल क्लिक करा, कुछ तो दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा, घबराइए मत। करा चीन में जलयान उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो जलयान उद्योग जो भी होगा पूरब की तरफ होगा, चीन के पूर्वी हिस्से में, क्योंकि दोस्तों वहीं पर वो है क्या बोलते हैं, चीन का जो पूर्वी हिस्सा होगा वहीं पे तो दोस्तों समुद्र मिलेगा, समुद्र के आसपास में स्थित है, तो याद रखें, हाँ वो याद कर लो यार, जलयान के लिए लंका शहर भी याद कर लो, ठीक है, लंका शहर भी था, लंका शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी था और जलयान के लिए भी था, ठीक है, यही याद आ रहा था, ठीक है। और इसके लिए ट्रिक जो याद आ रहा था दोस्तों, हनुमान जी गए थे सूती वस्त्र उद्योग को, तो आपने समझ गया पूंछ से जोड़कर, और लंका गए कैसे थे, छलांग लगा के, किस पर्वत से छलांग लगाए थे, इतना नहीं पता सर, मैनाक पर्वत से, किससे, मैनाक पर्वत से जंप मारे थे, वो याद रखेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो वो जो वहां गए तो इस वजह से दोस्तों पानी डाक कर गए, तो इससे जलयान यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल हो जाएगा। फिलहाल जलयान उद्योग के लिए दोस्तों कौन सा फेमस शहर है, याद रखेगा चाइना में एक स्थान है वुहान, अरे सर वुहान का नाम मत लीजिए, ये वही स्थान है जहां से COVID-19 पहली बार दोस्तों फैला था, वुहान में ही तो लैब था COVID-19 वाला, याद आया कि भूल गए,
याद है ना, ये वही वाला लैब है दोस्तों, ये जलयान उद्योग। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि वुहान से पानी के रास्ते दोस्तों हर जगह ये COVID-19 फैल गया, क्योंकि सब सभी देश दोस्तों समुद्र से जुड़े हुए हैं, सभी देश महाद्वीपों पर, सभी महाद्वीप किसी न किसी एंगल से समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फैल गया हर तरफ, ठीक है, हर तरफ फैल गया। इस तरह से दोस्तों आप टिक छोटा सा बनाइए और याद रखिए, करा चीन का जो बीजिंग शहर है ये किस लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो पहले याद रखे दोस्तों, चीन की राजधानी कहां पर है, चीन की राजधानी कहां पर दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि किसी भी देश की जो कैपिटल होता है वो बहुत सारे उद्योगों के लिए दोस्तों फेमस होता है। जैसे ये भी अगर इसकी बात करें तो ये वस्त्र निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, वस्त्र निर्माण उद्योग, चाहे सूती हो चाहे जो भी हो, ठीक है। दूसरा याद रखेगा जलयान, ठीक है। अच्छा, जलयान उद्योग कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जलपोत निर्माण होता है, ठीक है, जलपोत निर्माण, इसके लिए भी दोस्तों चाहे जल निर्माण सॉरी जलयान उद्योग कर लीजिए चाहे जलपोत निर्माण कर लीजिए, एक ही बात है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा चीन का अनसन, अनसन मत कहिए दोस्तों, अनसन कहिए, ऐसे लिखा जाएगा अनसन, ठीक है, अनसन, अनसन मुगदेन शहर दोस्तों किस लिए फेमस है, तो अनसन दोस्तों लौ इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों, चीन का जो अनसन क्षेत्र है ये लौ इस्पात के लिए दोस्तों जाना जाता है। और वैसे भी दोस्तों लौ इस्पात के लिए मैंने बर्मिंघम भी बताया था जो कि इंग्लैंड में स्थित है, उसे भी आप याद रखेंगे। और कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं, तो कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं हैमिल्टन को, उसे आप याद रखेंगे। करा चीन का जो कैंगटन शहर है दोस्तों ये किसलिए पॉपुलर है, ठीक है, कैंगटन, एक बार फिर से नोट करिए दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों जलयान उद्योग के लिए, जो अलग थोड़ा सा लीक से हटके मिला, जलयान उद्योग, ठीक है, तो जलयान उद्योग के लिए दोस्तों क्या याद रखेंगे, वुहान याद रखेगा, ठीक है, वुहान, वुहान से ही दोस्तों क्या फैला था, COVID-19 जो वायरस था दोस्तों, COVID-19 जो वायरस था वो कहां से फैला था, वो दोस्तों वुहान से ही फैला था, यह आप याद रखेगा। और अनसन दोस्तों किसके लिए याद रखेगा, चीन में जो अनसन क्षेत्र है, जो अनसन क्षेत्र है यह लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, किसके लिए, लौह इस्पात, इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। ये जो कैंगटन है दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और अगर हम केवल यहाँ पे कहते दोस्तों वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, बीजिंग भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बीजिंग भी पढ़ा था, तो ये भी आप याद रखेंगे, जो कि इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आएगा समझ में, साथ दीजिए केवल, ठीक है। अगला सवाल, करा चीन में सूती वस्त्र के उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा दोस्तों, देखिए आप नाम लिखिए, ऐसे अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो एक तो दोस्तों बीजिंग याद कर लीजिएगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों कैंटन याद रख लीजिएगा, और तीसरे नंबर पे दोस्तों संघाई याद कर लीजिएगा। अगर सबसे बड़ा पूछेगा ना तो सबसे बड़ा दोस्तों संघाई है, संघाई के बाद दोस्तों और नाम आएगा, कैंटन वगैरह का नाम उसके बाद आता है और बीजिंग का नाम उसके भी बाद में, तो इस तरह से दोस्तों आप याद, अभी आपसे सबसे बड़ा पूछा है तो याद रखेंगे संघाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा चीन के कौन से शहर सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाले दोस्तों शहर माने जाते हैं, वहां उद्योग बहुत सारे लगे हुए हैं, बताइए, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर दो ऐसे जगह हैं, ठीक है, एक तो दोस्तों संघाई है रेशम उत्पादन के लिए जो जाना जाता है, एक तो दोस्तों संघाई जाना जाता है, और एक का नाम बड़ा खतरनाक है क्यांगचांग, क्या नाम है दोस्तों, क्यांगचांग, ठीक है, क्यांगचांग, ठीक है, क्या नाम है, क्यांगचांग, ठीक है, क्यांगचांग, थोड़ा सा अटपटा जैसा नाम लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो क्यांगचांग है ना, क्यांगचांग कहिए या फिर इसे क्यांगचाऊ भी कहा जाता है, क्यांगचाऊ, ये दोस्तों कागज उद्योग के लिए भी फेमस है, किसके लिए फेमस है, यह कागज उद्योग के लिए भी दोस्तों फेमस है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल अभी जो सवाल दे रहा है ये तो रेशम उत्पादन का सवाल है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, एक तो क्यांगचांग या क्यांगचाऊ बताया, दूसरा संघाई बताया था, ये रेशम उद्योग के लिए मैंने बताया था, कैंटन, संघाई और बीजिंग पढ़ा था, और सूत्री वस्त्र उद्योग के लिए पढ़ा था, स्पेशली बीजिंग जो था दोस्तों वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चीन का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल, किसके लिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों, अभी मैंने यूएसए का डेट्रॉइट बताया था, क्या बताया था, अमेरिका में एक स्थान है डेट्रॉइट, ठीक है, इसे ऑटोमोबाइल का जो है जन्मस्थान माना जाता है, ठीक है। अभी जो पूछ रहा है दोस्तों मशीनरी और औजार के लिए भी दोस्तों कौन फेमस है, तो याद रखेगा चांगचुन है, कौन सा दोस्तों, चांगचुन, ठीक है, चांगचुन जो शहर है दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, और मशीनरी, और मशीनरी औजारों के लिए दोस्तों जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा चीन का कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा क्यांगचाऊ, क्या अभी पीछे बताया ना आपको, क्यांगचाऊ,
क्यांगचाओ जो है दोस्तों ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे ठीक है। कागज उद्योग के लिए है बहुत सारे, लेकिन जो हमें याद है वो चीज, जैसे आप भारत की बात कर लीजिए, भारत में दोस्तों महाराष्ट्र में भी पेपर बनता है, नेपानगर बनता है, जालौन बनता है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पेपर का उत्पादन होता है, बट पॉपुलर वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा, सब तो याद करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल जहां तक मुझे लगता है। करा चीन के प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र दोस्तों कौन कौन से, कहां कहां पर दोस्तों पानी वाली जहाजें बनती हैं, तो दोस्तों बताया था पानी वाली जहाज कहां कहां बनती है, तो नंबर एक पर याद रखेगा वुहान में बनती है ठीक है। पानी वाली जहाज दोस्तों इसकी राजधानी बीजिंग में भी बनती है। पानी वाली जहाज दोस्तों जो सबसे बड़ा शहर संघाई है ठीक है, संघाई सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां भी बनता है। और याद रखेगा क्यांगचाओ, क्यांगचाओ जो है दोस्तों क्यांगचाओ में भी ये जलयान उद्योग है। ये दोस्तों तीनों चारों का नाम याद रखेंगे, पता नहीं परीक्षा में जो है क्या पूछने वाला आपसे, तो पहले से अलर्ट रहिए और समझते रहिए ठीक है। अगला सवाल, विश्व के सॉफ्टवेयर उद्योग जिसमें दोस्तों IBM का नाम दे रहा ठीक है, IBM का दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ठीक है, ये IBM का फुल फॉर्म है। IBM का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो याद रखेगा हेडक्वार्टर है अर्मोंक में, कहाँ पर दोस्तों अर्मोंक, ये अर्मोंक कहाँ है दोस्तों याद रखेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों अमेरिका USA ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इतना डिटेल आपको पता होना चाहिए, IBM का दोस्तों हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ये आप याद रखेगा। अगला सवाल, करा विश्व के सॉफ्टवेयर उद्योग के अंतर्गत दोस्तों एप्पल का नाम सुना होगा आपने ठीक है, एप्पल आईफोन दोस्तों एप्पल का ही होता है ठीक है, आईफोन आप सभी को पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों आईफोन यूज भी करते होंगे। करा आईफोन का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर बना हुआ है, तो याद रखेगा इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, कहां पर दोस्तों कैलिफोर्निया में, कभी कभी परीक्षा में कैलिफोर्निया नहीं देता है, इसके अंदर दे देता दोस्तों, इसके अंदर एक स्थान है क्यूपर्टिनो, क्या नाम है क्यूपर्टिनो ठीक है, क्यूपर्टिनो आप याद रखेंगे, यहां पर दोस्तों एप्पल का हेडक्वार्टर बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे ठीक है। अगले सवाल पर आइए, एक और सॉफ्टवेयर उद्योग है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, बच्चा बच्चा जानता होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर यूज करता होगा उसको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दोस्तों जरूर पता होगा ठीक है। ये जितना हम लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 7 विंडोज 8 ठीक है, जो कुछ भी यूज करते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट, MS Word ऑफिस पावर पॉइंट सब इसी का दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा रेडमॉन्ट, कहां पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है रेडमॉन्ट, रेडमॉन्ट कहां पड़ता है दोस्तों, रेडमॉन्ट भी आपका USA में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल समाप्त, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है जितना जल्दी समाप्त हो जाए बेहतर ही है ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया था, बहुत पहले मैं कॉपी पे पढ़ाया था, फिर बता रहा हूं कॉपी पे पढ़ाया था, जो कॉपी वाली क्लास है ना उसको एक बार देखिए, हो सकता है थोड़े से पुराना होने की वजह से आपको मजा ना आए, देखिए मजा लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, क्वालिटी चाहिए, दम चाहिए, तो आप देखिए जा करके उतना बेहतर कंटेंट ना आप 10-20-50 हज़ार रुपए देके अगर कहीं पढ़े होंगे ना वहां भी नहीं मिलेगा, डंके की चोट पे बता रहा हूँ, एक बार जाके देख भाई, फ्री की क्लास है ना, पैसा देके नहीं देखना है ना, निःशुल्क देखना है ना, एक बार जाके देखो तो सही, और उसके बाद दोस्तों आके आप इस नोट्स को देखना, ये नोट्स उसी का हैंड रिटन नोट्स है ठीक है, ये आपको ईबुक फॉर्म में मिलता है, प्रिंट आपको खुद से कराना पड़ेगा ठीक है। तो आप चाहे तो इसे आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, बाकी अब हमारी किताबें भी आने लगी मार्केट में, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए और किताबें भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो much.